कोतवाली थाना बड़वानी में देर शाम फिर हुआ बवाल। राजपुर अपहरण के बाद बड़वानी में भी अपहरण का मामले में परिजनों ने सदर के साथ समाजजनों में थाने पर बेटी वापसी को लेकर किया जमकर हंगामा। कोतवाली टीआई द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, फिर बाद में युवती को भगा ले जाने वाले पर धारा 365 में किया मामला दर्ज। दरअसल राजपुर के अपहरण के मामला शांत ही हुआ था, तभी बड़वानी नगर में युवक युवती को भगाने के बाद कोतवाली थाना बड़वानी में माहौल गर्मा गया। युवती के परिजनों ने सदर फरीद मंसूरी के साथ समाजजनों से कोतवाली में आकर जम कि उसके बाद युवक गोपाल द्वारा युवती को दोपहर में घर से भगा ले जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं सदर ने बताया कि पुलिस ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है और हमने सीएम को इस मामले से ट्वीट भी किया है। पुलिस ने फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद देर रात परिजनों के कथन पर आरोपी गोपाल भावसार पर आईपीसी की धारा 365 में मामला दर्ज कर लिया है। बड़वानी पुलिस उक्त मामले की विवेचना में लगी हुई है। राजस्व विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर ग्राम कल्याणपुरा से राशन दुकान से गेहूं किया जब्त। एडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि सूचना के आधार पर राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों टीम ने सोमवार को शाम 5:30 बजे के लगभग कल्याणपुरा में खेत के पास रहने वाले संतोष पिता गोविंद परिहार के मकान में दबी जीवा राशन दुकान में वितरित 38 बोरिया गेहूं पाई गई। इसमें से 26 बोरी जिस पर सरकारी निशान लगे पाए गए। पूछताछ में संतोष परिहार ने बताया कि उक्त गेहूं ग्राम के हीरालाल पिता जीवाजी गहलोत का है। चूंकि मकान मालिक के अनुसार राशन कार्डधारियों से खरीदा गेहूं है, लेकिन 50 किलो गेहूं की बोरियों पर जो सील लगी है उसमें आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित झकनावत जिला झाबुआ में लिखा हुआ है। साथ ही उसमें खरीदी वर्ष 2020-21 लिखा हुआ है। टीम ने मौके पर पंचनामा बनाया, जांच में लिया उक्त मामले को। इस दौरान नायब तहसीलदार जागर रावत सहित खाद आपूर्ति विभाग की HS मुवेल एवं वंदना बुंदेल शामिल थी। बड़वानी जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री हरदेव सिंह डंगरा, सभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल से ट्राइबल वेलफेयर कर टीचर एसोसिएशन बड़वानी के प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय सरकारी हेड हाउस में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव हेमंत्र मालविया ने बताया कि ज्ञापन में जनजाति वर्ग विभाग मुख्यमंत्री COVID-19 अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सभी आवेदनों पत्रों को नियम विरुद्ध निरस्त कर दिया गया है, जबकि उमरिया डिंडोरी सहित अन्य जनजाति बाहुल्य जिलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर एसोसिएशन के नीलेश भावसार, राकेश बच्चन, रामेश्वर बड़ोले, दिनेश मुजालदे, दीनदयाल मेवड़ा आदि उपस्थित थे। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।